वेरी सिंपल एंड एलिगेंट ठीक है थैंक यू बैटिंग क्या ले रहा सबसे पहले तो आपको जो है टेली कैलेंडर में जगह मिली है ये टाइम जो है आप जॉर्डन गए थे तो क्या कहना चाहेंगे कितना एंजॉय किया आपने डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जॉर्डन जाने के लिए लास्ट टाइम वी हैड शॉट इन मलेशिया तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट था और इस बार हम जॉर्डन में शूट करने जा रहे हैं सो डेफिनेटली बहुत सारे एक्साइटमेंट है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लवली शूट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है इस कैलेंडर शूट में सो डेफिनेटली बहुत मस्ती होता है वहाँ पर बहुत फन होता है सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और क्या कहना चाहेंगे मतलब थोड़ा टाइम मिलता है पिकनिक मनाने के लिए तो किस तरह से डेफिनेटली शूट भी होता है थोड़ा ब्रेक भी मिलता है थोड़ा मस्ती भी होता है फन भी होता है शूट होता है दोस्तों के साथ मजे भी मतलब वी कैन स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड बहुत फन होता है इट्स नॉट कि टिपिकल शूट 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 डेली सोप के हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा टाइम मिल जाता है बाहर जाओ और आउट ऑफ इंडिया जाके दूसरे कंट्री में वो कंट्री देखने को भी आपको मिलता है शूट करने को भी मिलता है मस्ती करने को भी मिलता है शॉपिंग करने को मिलता है साइड विजिट होता है मतलब एक साथ बहुत कुछ होता है सो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट होती है टेली कैलेंडर जो हमेशा से अलग थीम लेके आते हैं तो इस बार का थीम क्या होने वाला है मुझे सीरियसली अभी तक नहीं पता बिकॉज दैट्स रियली अ सस्पेंस एज ऑफ नाउ अभी मैं बता दूंगी आप लोगों को तो आप लोगों को मज़ा चला जाएगा इस बार का थीम क्या है लेकिन इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस बार का जो थीम है वो बहुत रॉकिंग है अभी मैं वही डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले सो डेफिनेटली यू गाइज विल रियली लव इट लाइक अभी मैंने जो बताया मैं आई एम मोर कम्फर्टेबल इन अ वेस्टर्न वे बट इंडियन सूट्स मी मोर सो डेफिनेटली आई लुक गुड मोर प्रोटीन एंड गॉर्जियस इन एन इंडियन साड़ी और एन इंडियन अवतार बट आई एम मोर कम्फर्टेबल पर्सनली वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक आपको देखने को मिलेगा और इंडियन भी बहुत ग्लैमरस इंडियन लाइक नॉट दोस सास बहू डेली सोप्स के जैसे लुक वैसा नहीं होगा बहुत अलग हटके ओवर द टॉप ग्लैमरस इंडियन लुक देखने को मिलेगा सो डेफिनेटली आई होप यू गाइस विल लाइक इट अच्छा आपका शो जो है उत्तरन जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से आज मेरा शो 6 साल तक चल रहा है ऐसे ही आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना ताकि उत्तरन और चले और 2000 एपिसोड कम्प्लीट करें बिकॉज इट्स अ माइल स्टोन फॉर अ शो 1000 एपिसोड बहुत कम शो कम्प्लीट कर सकते हैं एंड वी आर रीचिंग 1500 एपिसोड्स इन द नेक्स्ट मंथ वी विल बी रीचिंग हिटिंग 1500 एपिसोड्स सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है आप लोगों अगर साथ नहीं होता तो डेफिनेटली वी वुडंट हैव बीन एबल टू स्ट्राइक अ 1500 वो खुशी बहुत है अंदर एंड ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना गणपति जी गणपति पूजा में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं अपने घर पे गन्नू को रखती हूँ गन्नू आते हैं मेरे घर पे तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट होती है पहले से मैं बहुत सारे प्रिपरेशंस लेती हूँ गन्नू को सजाने के लिए गन्नू कैसे आएंगे कहाँ पे बैठेंगे क्या करेंगे क्या अच्छा उनको खाना लगता है सब कुछ उनके लिए बनाना प्रसाद बनाना पूरा दिन छुट्टी करके गन्नू का पूजा करना तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती पूजा मैं पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल हूँ सॉरी मैं पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड 29 का वेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है दैट्स अ सीक्रेट क्या मन्नत मांगूंगी क्योंकि मैं अभी मन्नत शेयर कर दिया तो वो पूरा नहीं होगा तो मन्नत पूरा हो जाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी हैप्पी गणपति टू ऑल बहुत इंजॉय कीजिए गन्नू आप सबको बहुत ढेर सारी आशीर्वाद है आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए थैंक यू Thank you so much for joining us tonight. Once again, one more pose together.